मेरी फट दी किसे तो नहीं मैं करदा वा मुंह ते सिद्धी गल गल गल। हेलो गाइस, व्हाट इज अप सो वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस, जैसे कि आज आपको टाइटल और थंबनेल से पता ही चल गया होगा कि मैं क्या व्लॉग करने वाली हूं। सो आई एम आंसरिंग योर ऑल अजम्पशंस अबाउट मी। तो अजम्पशंस वो होते हैं गाइस कि तुम लोग मेरे बारे में ऐसा सोचते हो और वो सच है या नहीं वो मुझे बताने कि हाँ ये चीज सच है जो तुम मेरे बारे में सोचते हो। तो मैंने अपने इंस्टाग्राम पे आस्क मी क्वेश्चन डाल दिया था जिसमें मुझे लोगों ने अपनी अजम्पशंस लिख के दी और 1000 से ऊपर थी वो। मैं ज्यादा काउंट भी नहीं कर पाई और जितनी मेरे से सेलेक्ट हो पाई मैंने की, मे बी 15-20 मैंने सेलेक्ट कर ली, क्योंकि एक ब्लॉग में इतना ही काफी होता है, लोग बोर भी ना हो जाए। पर ये इंटरेस्टिंग भी होने वाला है तुम्हारे लिए, क्योंकि तुम्हें बहुत सारी बातें मेरे बारे में जानने को मिलेंगी और मे बी सम सीक्रेट्स और कुछ चीजें रिवील और बहुत कुछ। तो चलो शुरू करते हैं फर्स्ट से। तो ये पूछा है मुझसे मीनाक्षी पाल ने, आपने नीट की तैयारी की थी इसलिए आप इंटेलिजेंट हो। यार ये तो कोई बात नहीं, पर ये बात सच्ची है कि मैंने नीट की प्रिपरेशन करी थी 2 साल के लिए। आफ्टर माई स्कूल मैंने ड्रॉप लिया था और 2 साल तक नीट की प्रिपरेशन करी, फिर मैंने नीट का एग्जाम दिया और उसमें मेरे इतने अप टू मार्क्स नहीं आए थे कि मैं गवर्नमेंट कॉलेज ऑप्ट करूं। पर प्राइवेट के लिए मुझे फोर्स तो नहीं, पर पापा मम्मा ने सजेशन किया था कि हम प्राइवेट का कर देते हैं तेरा, पर मुझे अंदर से हुआ कि प्राइवेट की फीस इज टू मच। और 5 साल तो नहीं, मे बी 7 ईयर्स मेरा एक ही चीज में, एक ही हॉस्टल के कमरे में होता तो मैं नहीं कर पाती, तो मैंने ड्रॉप कर दिया था नीट। फिर मैंने BSc बायोकेमिस्ट्री ट्राई नहीं, ऑप्ट किया और अभी वही चल रही है। तो यार इंटेलिजेंट तो मैं वैसे भी हूँ, इस पर मैं चलो अलग वीडियो बनाऊंगी कि कैसे पूरे 2 साल मेरे निकले थे और क्या हुआ था क्या नहीं, बहुत इंटरेस्टिंग है, तुम्हें सुनने में इंटरेस्ट आएगा। कॉमेंट करके बता देना अगर तुम्हें सुननी है या नहीं। सेकेंड क्वेश्चन, दैट यू आर नॉट सिंगल, ये पूछा है प्राची ने। तो गाइज वैसे मेरे बारे में अज्यूम करते हो कि मैं सिंगल नहीं हूँ, बट आई एम सिंगल। और पता नहीं क्यों ये एक मिथ है शायद कि रिलेशनशिप में होके गर्ल्स या बॉयज ऐसे फन कर सकते हैं कुछ, बट मेरा फ्रेंड सर्कल इतना ज्यादा अच्छा है कि मुझे जरूरत नहीं है इन सब एक्स्ट्रा चीजों की। मुझे अभी एक्स्ट्रा लगती है क्योंकि अभी मैं अपने करियर पे बहुत ज्यादा फोकस्ड हूँ और मैं बहुत गोल ओरिएंटेड गर्ल हूँ, तो मुझे अभी इन सब चीजों में नहीं पढ़ना कि मैं डिस्ट्रैक्ट हो जाऊँ अपनी लाइफ में। तो मेरे फ्रेंड्स ही बहुत हैं कि बस मेरा फन हो जाता है, बहुत अच्छे से लाइफ इंजॉय हो रही है, तो मुझे ऐसी चीजों की नीड नहीं है। थर्ड क्वेश्चन, दृष्टि तोमर ने बोला है इंस्टा वेरिफिकेशन सून। तो मुझे नहीं पता दृष्टि को कैसे पता है कि मेरा इंस्टा वेरीफाई होने वाला है जल्दी, पर आज तक मैंने कभी वेरिफिकेशन के लिए वो फॉर्म फिल नहीं किया और होपफुली जब मेरे 365 ब्लॉग्स कंप्लीट हो जाएंगे शायद मुझे इंस्टा वेरीफाई कर दे एक अच्छा क्रिएटर समझ के। पर मुझे पता नहीं है कि मैं कब होंगी इंस्टा पे वेरीफाई, वो तो किसी को नहीं पता होता। फोर्थ क्वेश्चन, यू यूज टू बी एवरेज स्टूडेंट इन योर स्टडीज। एवरेज नहीं थी मैं, अबव एवरेज थी, मतलब मेरे अच्छे मार्क्स आए तभी मैं साइंस मेडिकल ऑप्ट कर पाई। और कभी इसने ट्यूशंस नहीं लिए, हाँ ये मेरा रिकॉर्ड है गाइस, 12th क्लास तक कभी मैंने ट्यूशंस नहीं लिए। बीच में जैसे समर वेकेशंस थे तो मेरे फ्रेंड्स ना एक ही ट्यूशन में जाते थे और वो मुझे बताते काजल हम तो इतना फन करते हैं ट्यूशन ज्वाइन कर ले, पढ़ने के लिए नहीं सिर्फ फन करने के लिए। तो मैंने समर वेकेशंस में 10th क्लास में ट्यूशंस ज्वाइन करे थे और मुझे इतना ज्यादा हेक्टिक हो गया था कि नहीं मैं होम ट्यूशन लगवाया था हमने आप तुम्हारा बाद में होम तेरा बाद में होम ट्यूशन लगवाया मैंने कि मैं उधर जाके नहीं पढ़ पाती इतने सारे बच्चों में, मम्मी वहाँ पे तो फन होता है ये वो, फिर होम ट्यूशन लगवाया, मुझे उन सर की समझ नहीं आती थी, फिर मैंने खुद से पढ़ाई करी और यूट्यूब से पढ़ाई करी। से वो सर तेरी ये वीडियो देख रहे होंगे मुझे पता है, उम्मीद है। मैं एक सर जो है वो आज तक मुझे इंस्टा पे टेक्स्ट करते, तो हरजोत सर मैं आपकी बात नहीं कर रही हूँ, जो बाकी सर थे वो तो मुझे कोई पसंद नहीं आया। फिर मैं मैथ्स पढ़ती थी विवेक से, उसकी मैथ्स बहुत ज्यादा अच्छी है, शिल्पा तो मुझे कुछ नहीं पढ़ा पाती थी गाइस हिंदी के अलावा, तो मैथ्स विवेक से पढ़ती थी। मैंने तेरे को कितना कुछ पढ़ाया है काजल, बचपन से मुझे मारती थी तो चुप हो जा। मैंने टीचर ट्रेनिंग का कोर्स किया था इसीलिए ना कि मैं तुझे मार सकूं। मुझे आज तक याद है मैं 3rd क्लास में थी, पर इसको ये था कि मैं हर क्लास में फर्स्ट आऊं, हर क्लास आती थी तू, और ये मेरा गाल लाल करके रखती थी रात के 3-3 बजे तक गाइस की याद कर, और ये मुझे ऐसे कहती थी अगर तूने आधे घंटे में ये कर लिया ना फिर मैं तुझे 15 मिनट के लिए खेलने जाने दूंगी, और मैं फटाफट रट्टे मारते थे और कभी मुझसे ना रट्टे नहीं लगते थे, मुझे ना चीजें समझ के ही समझ आती। पर तभी तो तेरे ट्यूशंस नहीं थे, तो पापा भी सबको यही बोलते हैं कि सिर्फ इकलौती यही है। मैंने 10th तक नहीं लगवाया था, 11th में मेरे को नहीं, 10th में मुझे नीट पड़ी थी मैथ्स की, बाकी तुझे 10th में भी नहीं पड़ी थी। मैंने बिना ट्यूशंस के सारी क्लासेस करी अपनी, तभी हमें लगा था तू नीट कर लेगी। यार नहीं हो पाया, टफ होता है नीट यार, पर मैंने जितने मेरे कितने मार्क्स आए थे और क्या था सब कुछ मैं बताऊंगी अगर तुम्हें वैसी वीडियो चाहिए होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, यू आर वेरी वेरी कूल, पूरी गैंगस्टर वाइब ऑन दिया। यार गैंगस्टर वैंगस्टर वाली वाइब तो नहीं है मेरी, पर हाँ मैं कूल बहुत, ये वाला कूल मतलब ऐसे मुझे ये होता है कि पॉजिटिव वाइब रहे मेरे अराउंड सब लोगों की और सब बस फन मूड में रहे, ये वाला।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, यू आर नॉट अ मॉर्निंग पर्सन, नॉट एट ऑल. मॉर्निंग पर्सन मैं वैसे हूँ कि मैं मॉर्निंग में सोती हूँ और शाम को उठती हूँ, तो मैं मॉर्निंग पर्सन नहीं. नेक्स्ट, रूट फ्रॉम आउटसाइड, सॉफ्ट हार्टेड फ्रॉम इनसाइड. पता नहीं ऐसा बहुत लोग बोलते हैं, ये वाली जो अजम्पशन है ना, ऐसे तो मुझे जो भी मिलता है ना, सब फर्स्ट टाइम में कोई भी मिलेगा ना, उसको लगता है मैं बहुत रूड हूँ, एरोगेंट हूँ. पर फिर वो कहते हैं यार काजल तुझसे अच्छी बंदी नहीं मिली है वो, तो ये तो मुझे बहुत लोग होता है. मुझे इसका नहीं पता कि मैं ऐसे रूड दिखती हूँ या फिर क्या, पर हाँ मैं ठीक सॉफ्ट हार्टेड तो मैं हूँ यार, ऐसे रूड वूड नहीं, मैं रूडली बात नहीं करती किसी से. नेक्स्ट, यू लिक योर प्लेट आफ्टर ईटिंग मैगी. ये नहीं किया कभी मैंने, मतलब बस मैगी खाई है, ऐसे लिक विक नहीं की मैंने प्लेट का. यू गेट इरिटेटेड वेरी फास्ट. ये तो सच्चाई है, मैं बहुत जल्दी किलर जाती हूँ गाइस, मतलब इतनी जल्दी भी नहीं, पर कोई बंदा एक चीज पे बार 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 पोक करते रहेगा ना, तो फिर मैं किलर जाती हूँ. फिर मेरे ये आ जाता है मूड, या तो मैं भी उसको सुनाऊँ या फिर बिल्कुल आर पार वाली बात हो जाए, तो मैं थोड़ा किल्सू हूँ. नेक्स्ट क्वेश्चन, तो आकांक्षा ने मुझसे पूछा है, यू हैव गॉन थ्रू अ लॉट. और एक गर्ल और थी, मैंने इनका ना बचा के रखा था क्वेश्चन, एक सेकेंड. हाँ, और इन्होंने पूछा है, यू हैड बिट्रेयल इन फ्रेंडशिप. तो गाइज इट्स अ लॉन्ग 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 स्टोरी, बट लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट करके बताती हूँ मैं, तो इन दोनों के आंसर इसी में मिल जाएंगे. एक बार क्या हुआ था कि शिल्पा हमारा सबका, वी हैव अ कॉमन फ्रेंड. अब मैं उसका नाम नहीं लूंगी और मैं ये भी नहीं बताऊंगी कि वो हिम था या हर थी, ही था या शी थी. तो लेट्स रेफर दैट गाय एक डस्टबिन के नाम से, कि वो था डस्टबिन या वो थी डस्टबिन. तो डस्टबिन हमारी लाइफ में आई थ्रू मी, तो शिल्पा की भी अच्छी फ्रेंड बनी डस्टबिन या बना. मैं डस्टबिन को एज अ फीमेल लेके चल रही हूँ, ठीक है गाइस. अब समझने वाले समझ जाएंगे, जिनको समझ आ जाएगा, नहीं आएगा तो सुन लो स्टोरी. तो डस्टबिन हमारी लाइफ में आई, तो उसके बाद थोड़े मंथ्स तक ठीक चली चीज. फिर मुझे लगता है कि शिल्पा थोड़ी सी इनोसेंट है मेरे मुकाबले, कि मुझे चीजें ना बंदे की ज्यादा जल्दी क्विकली पता चल जाती है कि अच्छा ये बंदा ऐसा है. शिल्पा को लगता है नहीं यार ऐसी नहीं है काजल, उसकी कुछ मजबूरी होगी. ये बहुत तरस वाले मोड पे रहती है और मैं प्रैक्टिकल मोड पे रहती हूँ कि नहीं शिल्पा, हर चीज की दोनों साइड होती है, तो दोनों साइड देख के चलनी चाहिए हमें. तो क्या हुआ, कुछ मंथ्स बाद हमें डस्टबिन की बहुत सारी चीजें पता चली. सॉरी गाइस बीच में इंटरप्शन इतनी आ जाती है, तो कंटिन्यू करते हैं. उसके बाद क्या हुआ कि कुछ मंथ्स ठीक थे हमारे, स्मूथली निकल रहे थे. उस टाइम मैं अपनी नीट की तैयारी कर रही थी, मैं हर जगह शिल्पा के साथ नहीं जाती, शिल्पा वीडियोस बनाने बाहर जाती, तो शिल्पा डस्टबिन के साथ जाने लग गई. उसको लगा कि काजल तो अभी पढ़ाई में अपना व्यस्त है, थोड़ी बिजी है, तो उसको डिस्टर्ब नहीं करते, डस्टबिन और मैं जा रहे हैं वीडियोस बनाने. तो मैं तब इतना ज्यादा इंटू भी नहीं थी वीडियोस में, फ्री टाइम मिलता था तो बना लेती थी. तो उसके बाद मेरे को इंस्टाग्राम पे कुछ गर्ल्स के स्क्रीनशॉट्स आए डस्टबिन के साथ चैट्स के, और बहुत सारे पिक्चर्स वीडियोस जो मैं अभी नहीं बता सकती कैसी थी, काफी इंटीमेट और काफी पर्सनल. तो मैं देख के शॉक्ड हो गई, मैं कभी इन सब चीजों में इंटू नहीं थी, ना कोई मेरा ऐसा फ्रेंड बना था कभी भी लाइफ में, या अब भी कोई ऐसा फ्रेंड नहीं है मेरा कि उसकी ऐसी चीजें मेरे सामने आए. तो फिर मैंने शिल्पा को दिखाया, शिल्पा को ट्रस्ट नहीं हुआ, शिल्पा को लगा कि वो गर्ल्स झूठ बोल रही है और डस्टबिन इज अ ट्रू पर्सन, कि डस्टबिन जो बोल रहा है, डस्टबिन जो कर रहा है वो सब सही है, वो गर्ल्स सब झूठ बोल रही है. तो उसके बाद मैंने कहा कोई नहीं, चलो उन गर्ल्स को इग्नोर करते हैं, डस्टबिन इज आवर फ्रेंड ब्रांड, डस्टबिन इज आवर फ्रेंड. तो उसके बाद मुझे लगा कि शिल्पा साहिल दोनों इतना इमोशनली अटैच्ड हो गए हैं उससे, तो फिर मुझे ऐसे बीच में नहीं दखल देना चाहिए, क्योंकि क्या पता गर्ल्स झूठ बोल रही हूँ. तो फिर एक पॉइंट पे आके मुझे लगा कि शायद वो गर्ल्स सच ही बोल रही है, क्योंकि शिल्पा ऑलरेडी इतना अच्छा पब्लिक फिगर थी और मिलियन फॉलोअर्स उसके उस ऐप पे थे, तो मुझे लगा शायद इसका कोई फ्रेंड बनने के लिए ये सब टेक्निक यूज कर रहा हो, इमोशनल ब्लैकमेल और ये सब, शिल्पा उसकी अच्छी फ्रेंड बन जाए, उसके चक्कर में उसका फायदा हो जाए. तो मैं बहुत प्रैक्टिकली माइंड से सोचती थी. उसके बाद बहुत 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 मंथ्स निकलते गए, बीच में शिल्पा और मेरा इतना, मतलब टचवुड इसका मेरा इतना अच्छा बॉन्ड है कि कभी ऐसी लड़ाई झगड़े कभी हमने करे नहीं, करें तो एक दो दिन बाद फिर बात कर लिया, फिर बस इतना ही, इससे ज्यादा नहीं. बट डस्टबिन ने शिल्पा और साहिल को दोनों को इतना ज्यादा प्रोवोक कर दिया था मेरे खिलाफ, कि मैं वो सब चैट्स फेक बनाती हूँ, मैं उन गर्ल्स को लाती हूँ और उन फोटोज को भी मैं मॉफ करती हूँ, इतनी सब चीजें. शिल्पा को शायद इतना भी नहीं पता था मॉफ होता क्या है, और आई गेस काफी व्यूअर्स को नहीं पता होगा मॉफ क्या होता है. तो इतनी सारी चीजें करी, उस बीच में शिल्पा और मेरी इतनी लड़ाई होगी, इतनी लड़ाई होगी कि मैं अपने रास्ते और शिल्पा अपने रास्ते विद डस्टबिन, शिल्पा साहिल डस्टबिन सब एक तरफ और मैं अकेली एक तरफ. तो वो मेरा बहुत बहुत लो पॉइंट था. तब मैं देखती थी कि मेरी बहन किसी और का इतना साथ दे रही है कि उसने मुझे नेग्लेक्ट कर दिया, और डस्टबिन इज गेनिंग फॉलोअर्स. सिर्फ मैं फॉलोअर्स और इन सब की बात करूंगी, इमोशनल अटैचमेंट की नहीं. तो फिर मुझे दुख हुआ, फिर मैंने सोचा नहीं काजल तेरे को हार नहीं माननी चाहिए. जब शिल्पा अगर इतना ज्यादा इमोशनल और उसकी हेल्प करने में क्योंकि इतना ज्यादा जुट गई, तो तुझे एक स्टेप लेना चाहिए, तेरे को इसकी सच्चाई बाहर लानी चाहिए. तो फिर काजल ने बहुत दिमाग चलाया
चलाए, इधर उधर से इतनी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करी और फिर शिल्पा के सामने लाके सारे प्रूफ रख दिए। और शायद वो दिन था कि शिल्पा ने डस्टबिन को बिना कुछ बोले बिना कुछ कहे सीधा ब्लॉक और सब कुछ कर दिया था। उसके बाद जिस दिन किया ये सब, तो डस्टबिन की जो मदर थी और जो सब कुछ थे सब इन्वॉल्व होने लग गए। हमारी फैमिली वाले कभी इन्वॉल्व नहीं हुए, उनको कभी कुछ इंटरेस्ट नहीं आया इतनी फालतू बकवास में, कुछ भी नहीं। वो उनको ये लगता है हम बड़े हैं, हम संभाल लेंगे, जब तक बात उन तक नहीं पहुंच जाती। तो मैंने शिल्पा को गाइस मैं थोड़ा इमोशनल हो जाऊंगी तो फिर इमोशनल मत हो, मैंने तुझसे प्रॉमिस किया है कि जो मैंने तेरी बात नहीं मानी थी उसके लिए तो मैं पूरी जिंदगी तुझे सॉरी बोलूंगी, लेकिन मैं तुझे प्रॉमिस कर रही हूँ अब कोई डस्टबिन आ जाए या अभी कोई कुछ भी आ जाए मुझे सबसे पहले तेरी ही बात सुननी है, चाहे तू झूठ भी बोले। पर तो हाँ, ये एक सबक था। मैंने जो शिल्पा को रिकॉर्डिंग्स दी, डस्टबिन की फोटोज दी जिनको हम न्यूड्स बोलते हैं, वो मेरे पास थी डस्टबिन की, और मैं इतना शॉक थी कि ये लड़का या ये लड़की हमारे ग्रुप में और ये हरकतें करता है। तो मैं बहुत शॉक उस टाइम पे, मतलब मैं नंब हो गई थी कि फक ये चीज कोई कर सकता है सिर्फ पैसों के लिए। मेरे दिमाग, मतलब मेरे आसपास कोई ऐसा फ्रेंड हमारा ग्रुप या हमने कभी ये सब चीजें देखी नहीं थी। तो मैंने शिल्पा को जब सारी उसकी मम्मा और उसकी मम्मा ने जिनसे बात करी थी हमारे खिलाफ, मुझे नहीं पता किसी की मदर किसी और की डॉटर्स के लिए इतनी गंदी लैंग्वेज कैसे यूज कर सकती है, मैं बोल भी नहीं सकती वो वर्ड्स। तो फिर मुझे हुआ कि अब तो मुझे दिखाना है शिल्पा को, फिर मैंने उसको सब चीजें दिखाई। मुझे सच में आज तक यकीन नहीं होता कि किसी की मम्मी ऐसे कैसे किसी को बोल सकती, किसी की बेटी को। फिर मुझे पॉज देना पड़ेगा, तो गाइस अभी मैं थोड़ा बेटर हूँ, पानी वानी पी लिया है, रोना नहीं है बिल्कुल भी। डस्टबिन में बिल्कुल अपने प्रीशियस आंसू वेस्ट नहीं करने, क्योंकि डस्टबिन में सिर्फ कूड़ा जाता है, प्रीशियस चीजें नहीं। तो मैं बहुत बहुत ज्यादा अपने लो पॉइंट पे थी उस टाइम पे लाइफ के, कि शिल्पा मेरी बिल्कुल नहीं सुनती थी और शिल्पा ने बहुत फ्रेंड्स भी लूज कर दिए थे सिर्फ डस्टबिन की वजह से। मैं क्यों नहीं सुनती थी ना काजल, मैं अभी भी तेरे को देख के ना रोई पड़ी। मैं क्यों नहीं सुनती थी ना, एक दिन मैं जरूर बताऊंगी। मैं तो चाहती हूँ, मैं चाहती हूँ कि तू रिकॉर्डिंग्स भी डाल, तू वो फोटोज भी डाल, सब डाल, ताकि लोगों को ना बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी रहे कि यार ये सच था। मैं नहीं चाहती कोई सच्चाई छुपे, मैं चाहती हूँ सारी चीजें, हम यूट्यूब यूज कर रहे हैं तो यूट्यूब पे जाए और लोगों को पता चले इस बंदे की ये सच्चाई कि डस्टबिन सही में डस्टबिन ही था या थी। तो उसके बाद क्या हुआ कि जयगो मेरा फ्रेंड बना, तो उस टाइम पे शिल्पा और हम सब बात नहीं करते थे, जयगो और हम सारे आपस में बात करते। मैंने जयगो को धीरे धीरे सब बताया, इसको भी समझ आई चीजें, फिर ये भी डस्टबिन से मिला, इसको भी मिलते ही ऐसे क्विकली पता चल गया कि यार कुछ तो गलत है। फिर जयगो और मैंने बहुत चीजें ढूंढी, हम डस्टबिन के फ्रेंड्स ऑफ फ्रेंड्स पे गए। तो फिर उसके बाद खुद बहुत सारे लोग अपने आप ही आए, जो पहले मेरे को स्क्रीनशॉट भेजते थे, जो चैट करते थे कि ऐसे 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 ऐसे, फिर उन लोगों ने मुझे और चीजें भेजी। फिर पता नहीं बाय गॉड्स ग्रेस एक दिन ऐसा आया कि हमें उसका बहुत 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 बड़े वाला सच पता चला। तो उस दिन ही वो जो मैंने आपको बताया कि ब्लॉक किया शिल्पा ने, सब हुआ। उसके बाद बस फिर मुझे ऐसा हुआ कि फाइनली डस्टबिन हमारी लाइफ से चला गया और शिल्पा साहिल सबको फिर पता चला कि हाँ, मैं तब मतलब मैं चीजें ऐसे मोल्ड करके मैनिपुलेट करके नहीं बोलती थी, वरना वो बंदा शिल्पा के दिमाग में ये चीजें डालता था या डालती थी कि काजल झूठ बोल रही है, मैं तो ऐसा नहीं कर सकता, मैं ऐसी नहीं कर सकती। ट्रोली उसकी ये एक्टिंग होती थी, रोना हर दो मिनट बाद, रोना हर दो मिनट बाद। कोई बंदा अपनी मम्मी पापा को आके शिल्पा और साहिल के सामने सिर्फ गालियां दे रहे कि मेरे मम्मी पापा ऐसे करते हैं, मेरे मम्मी पापा वैसे करते हैं, और अपने आप को बताना कि मुझे बहुत बड़ी कोई बीमारी है, मुझे पैसे की नीड है, मुझे ये नीड है। शिल्पा, मैं सही में शिल्पा को मानती हूँ कि ये डंब है दिमाग से, कि इतना ज्यादा ट्रस्ट कर लेती है किसी पे। और साहिल एक पॉइंट को फिर भी सोचते थे कि यार शिल्पा नहीं, इतना तो नहीं होता किसी बंदे के साथ, मतलब एक ही बंदे के साथ इतनी चीज हो रही है। पर जहां शिल्पा बोलेगी साहिल तो वही करेंगे, क्योंकि उनको शिल्पा से बहुत प्यार है। फिर गाइस साहिल ने भी साथ दिया शिल्पा का, और जैसे एक बंदी ने पूछा था कि यू हैव बीन थ्रू अ लॉट, मतलब डस्टबिन ने एक टाइम पे ट्राई किया था कि वो मुझे हैरेस कर दे, तो वो मेरी लाइफ का सबसे वर्स्ट और लो पॉइंट था कि कोई बंदा जो हमारे घर में रह रहा है उसको हमने फैमिली मेंबर की तरह रखा कि हमारे घर में आ रहा है, जब मन कर रहा है वीडियोस बना रहा है या बना रही है और हमारे घर में रह रहा है, और उसने मुझे हैरेस करने की कोशिश करी। तो जब मैंने शिल्पा को बताया, उसको लगा कि शायद गलती से हाथ लग गया उस जगह पे, या शायद गलती से उसने तेरे को पकड़ लिया,
और शायद वो दिन है, आज का दिन है, मैं किसी लड़के से ऐसे घुल मिल के इतना नहीं मिल पाती कि मुझे लगता है शायद वो फिर से रिपीट हो जाएगा मेरे साथ। तो ये मैंने कभी बताया नहीं क्योंकि तो गाइज मैं ये वीडियो ज़्यादा कंटिन्यू नहीं करना चाहती हूँ। अब ये अजम्पशन वाला काफ़ी इमोशनल पॉइंट पे चला गया और मैं कभी ऐसे अपना वीक पॉइंट लेके किसी के सामने आई नहीं हूँ, ना मैंने कभी बताया। और मुझे पता है ब्लॉग मम्मी पापा भी देखेंगे और उनको अगर पता चलेगा तो ऑब्वियसली बात है वो भी लो हो जाएंगे या सैड हो जाएंगे, तो मुझे ज़्यादा एग्जैजरेट अब करना नहीं है। बट जो होता है अच्छे के लिए होता है, पर जो मेरे साथ उस टाइम पे हुआ मुझे नहीं लगता वो मेरे लिए अच्छा था। मेरे 2 साल जिस फेज में थे मुझे पता है, तो मैं अब ज़्यादा कंटिन्यू नहीं करना चाहती। तो बाकी मैं जाट फैमिली से बिलोंग करती हूँ और उनके अंदर एग्रेशन बहुत ज़्यादा होता था, मैं कि मेरे पापा गुस्सा है ये वीडियो देख के कि ऐसा कैसे हो गया। तो और मैं ट्राई करूंगी कि वो वीडियो ना देखे, मैं उनको कसम वसम तो दूंगी, ऑब्वियसली बात है मैं नहीं चाहती कोई भी ये वीडियो देखे मेरी फैमिली, क्योंकि मैंने खुद से कभी नहीं बताया और ना मैं अपने आप को इतना वीक दिखाना चाहती। बट मैंने जो स्ट्रांगली किया इतना ज्यादा और फिर अपने पैरों पे इतने अच्छे से खड़ी हुई, खुद का यूट्यूब चैनल बनाया और सब चीजें करी, मैं बहुत प्राउड हूँ खुद पे। जो चीज गई चली गई, बट अब मैं नहीं चाहती कि डस्टबिन हमारे नाम के व्यूज खाए, कहीं पे भी या कुछ भी करे, हमारा नाम यूज करके आगे बढ़े या किसी को हमारे बारे में कुछ भी फेक चीज या कुछ भी बोले, बिकॉज आई हैव प्रूफ्स और अभी मेरे पास प्रूफ्स हैं। और मैं शिल्पा को हर एक दिन कहती हूँ कि अगर तू व्लॉग्स बना रही है तेरी ऑडियंस को जाना बहुत जरूरी है, तेरे पास्ट में क्या हुआ है, तो सब कुछ शो कर, किसी से मत डर, क्योंकि मुझे पता है हम सच्चे थे तो हमें शो करना बंद। और अगर ये मुझे अभी चीजें दे देती तो मैं तो अपनी इसी व्लॉग में डाल देती सब कुछ और सबको सच्चाई पता चल जाती। बट शिल्पा को कमेंट करके जरूर बोलना कि वो सच बताया, क्योंकि मैं सच में चाहती हूँ सच बता दे, ताकि हर किसी के माइंड से सब कुछ क्लियर हो जाए, बिकॉज प्रूफ सबसे स्ट्रांग चीज होती है और उसको कोई झूठा नहीं बोल सकता। तो वी हैव प्रूफ हर एक चीज के, तो कोई भी अपना मुंह खोलने से पहले 100 बार सोचे कि हमारे पास बहुत कुछ है। और बाकी जब मैं शिल्पा को बोलती हूँ कि वो सारे प्रूफ्स दिखा दे, सब कुछ डाल दे, तो शिल्पा एक ही बात बोलती है कि मुझे किसी का करियर खत्म नहीं करना है, तो मैं किसी की ये सब चीजें आगे नहीं लाना चाहती। बट मुझे नहीं लगता किसी का करियर खत्म हो सकता है या कुछ भी, हम किसी की कोई चीज रोकने में हमारा कोई हाथ नहीं है, वो तो भगवान कराएगा जो कराएगा, बट जो सच है वो तो आना चाहिए। तो मैं सच में चाहती हूँ सब कॉमेंट्स करना कि शिल्पा वो सच बताए और सबको पता चलना चाहिए कि सच्चाई सही में क्या थी। तो बाकी करियर जिसका खत्म होना होगा गाइस अपने आप हो जाएगा, उसमें हमारा कोई हाथ नहीं है। बाकी इस व्लॉग को यहीं एंड करते हैं, आज का दिन तो बहुत ज्यादा हेक्टिक था गाइस, मेरे पास और भी इतने फनी फनी अजम्पशंस थे, पता नहीं ये वाला बीच में कैसे आ गया। बाकी कोई नहीं, अगर पार्ट 2 चाहिए इसका तो मुझे बता देना। और आई एम वेरी स्ट्रांग और हर एक गर्ल को स्ट्रांग बनना चाहिए, अगर किसी के साथ ऐसा कुछ हुआ है तो स्ट्रांगली उसको फेस करो, कोई तुम्हें फिर हाथ भी नहीं लगा सकता। बाकी चलो गाइस आज का दिन बहुत ज्यादा हेक्टिक था, मैं सीधा सोने जाऊंगी, तब तक के लिए गुड नाइट, टेक केयर, शब बगैर, बाय। सानू नेड़े ला लाया सी गुजी सटिया दिल दे मौमे आदत ने कपिया थोड़े जे आरूड थोड़े आरू घंटिया।